अच्छा, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सो के उठ चुकी हूँ। चलिए देखती हूँ क्या करती हूँ। तो बस अभी उठी हूँ और आज हो रहा है बारिश, जैसे कि आपको दिख रहा होगा आंगन में, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है। रात को भी हुई थी लग रहा है। तो अभी चलिए देखती हूँ मैं क्या करती हूँ आज। जैसा कि मैंने नया नया अपना काम शुरू किया है, जॉब कह लीजिए, काम क्यों कहें, ये मेरा जॉब है, न्यू जॉब। तो अभी मैं जा रही हूँ, पानी गर्म किए हैं, पियेंगे बैठ के, फिर उसके बाद चाय बनाएंगे। तो मैं बैठ गई हूँ अपना पानी लेकर के, थोड़ा सा गर्म है, और उसके बाद चाय बनाऊंगी। गला फंस रहा है फ्रेंड, पता नहीं क्यों। रात को बहुत ठंडा था, एसी चला करके सोए थे, इसकी वजह से लग रहा है गला फंस गया है। पानी पीने के बाद ठीक हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं नहा धो करके रेडी हो गई हूँ। सुबह बारिश हो रही थी और अब बारिश बंद हो गया है। तो मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। और ये है मेरा आज का नाश्ता, मैंने लिया है चाय और ब्रेड। फ्रेंड, मैं गिलास में ही चाय पीती हूँ, मुझे गिलास में ही चाय पीना पसंद है। और आज कोई घर में था भी नहीं, तो मैंने यही नाश्ता कर लिया। और मुझे ब्रेड जो है चाय में डुबकी लगा करके खाना बहुत पसंद है। तो ठीक है फ्रेंड, मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ फ्रेंड। बहुत इजी नाश्ता है ये, बस चाय में डुबकी लगाइए ब्रेड को और खा लीजिए। तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ, मिल के आती हूँ, देखती हूँ कुछ और शूट कर पाती हूँ कि नहीं। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी फ्रेंड के घर से आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ अपने लिए दोपहर का लंच बनाने। तो मैं लंच में क्या बनाऊँगी, आज मैं अकेले ही हूँ तो कुछ थोड़ा बहुत चटरपटर ही बनाऊँगी। तो मेरे पास ये थोड़े से चावल बचे हैं, तो मैं इसे ही फ्राई करूँगी। तो देखिए मैं क्या क्या डालती हूँ। मैंने इसमें, मेरा तेल गर्म हो गया था तो इसमें जीरा डाल दिए हैं, और ये थोड़ी सी मूंगफली, और इसमें डालूंगी थोड़ा सा ये प्याज है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसमें प्याज और हरी मिर्ची, कोई नहीं रहता है फ्रेंड तो कुछ भी बनाने खाने का मेरा मन नहीं करता। मैं अपने लिए स्पेशली कुछ भी नहीं बनाती हूँ, जो रहता है उसी से काम चला लेती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत कुछ बना लूँगी, नहीं तो मैं ऐसे ही रह जाती हूँ बिना खाए। थोड़ा बहुत मतलब दूध दही ये सब ले लेती हूँ, लेकिन बनाने नहीं जाती। अभी ये चावल बचे हुए हैं तो मैं ये चावल फ्राई कर ले रही हूँ अपने लिए, नहीं तो मैं या दो रोटी बना लेती अपने लिए, या मुझे बाटी भी बहुत पसंद है तो बाटी भी बना लेती हूँ। माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में बना लेती हूँ फट से, तो वही खा लेती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती।
अपने लिए, कोई भी नहीं करता होगा फ्रेंड। मम्मी लोग ज़्यादातर कहाँ कुछ अपने लिए करती हैं, वो बस घर की सेवा में लगी रहती हैं कि सब खुश रहें, उनसे बच्चे खुश रहें, हस्बैंड खुश रहें। ये सब खुश रहेंगे तो ऑलरेडी माँ अपनी ही खुश रहेंगी जब सब खुश रहेंगे तो। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी करना चाहिए। आप में से कौन कौन अपने लिए स्पेशल खाना बना करके खाता है घर में, अगर वो अकेले है तो प्लीज़ फ्रेंड आप नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि जब आप अकेले रहती हैं तो क्या बना करके खाती हैं अपने लिए, क्या स्पेशल बनाती हैं। मेरा तो यही स्पेशल है, मैं ये चावल फ्राई करूँगी, उसके बाद मैंने ये एक गिलास बेल का शरबत था उसके साथ मैं वो पीऊँगी। खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाने का मन करता है, वैसे तो मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ जूस वगैरह चल जाता है, अच्छा लगता है खाने के साथ। तो ठीक है फ्रेंड, मैं इसे बना करके फिर दिखाती हूँ आपको कि मेरा ये फ्राई राइस कैसा बना है। ओके फ्रेंड, फिर दिखाती हूँ आपको।